अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रेप्रॉन स्कर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ स्कर्ट एक्सक्लूडिंग बेल्ट 30.5 इंच, वेस्ट 28 इंच, लेंथ ऑफ बेल्ट 2 इंच, बेल्ट फॉर बाइंडिंग 80 इंच से अबव। तो ये मेरा फैब्रिक है जो डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ये रेप्रॉन स्कर्ट के लिए हम वो फैब्रिक प्रेफर करते हैं जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है। टू लेयर्स में कपड़ा रखने के बाद फोल्डेड साइड से एक कॉर्नर से हम लेते हैं अपने वेस्ट का हाफ। वेस्ट है हमारी 28 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 14 इंच और ऐसे हम 14 इंच के मार्क लगाएंगे और इसको राउंड शेप देंगे। अब इस राउंड शेप से हम अपनी स्कर्ट की लेंथ प्लस 1 इंच का निशान लगाएंगे। स्कर्ट की लेंथ है हमारी 30.5 इंच, उसमें 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31.5 इंच। तो ये लगभग 32 है तो मैं पूरा 32 इंच ले लेती हूँ। और इसको भी हम राउंड शेप देते हुए मार्क करेंगे। ये लगभग ऐसे कटती है जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट कटिंग करते हैं। अब हम स्मॉलर राउंड और बिगर राउंड की कटिंग कर देंगे। इस रिमेनिंग फैब्रिक से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट की लेंथ है हमारी 2 इंच, तो उसका डबल प्लस 1 इंच हम लेंथ में काटेंगे, यानी कि 2 का डबल 4 प्लस 1 5 इंच ऐसे। और ऐसे बाइंडिंग के लिए हमें 80 इंच से अबव बेल्ट चाहिए। तो ये मेरा डबल फोल्ड में कपड़ा है, ये लगभग 45.5 इंच है, तो ये पूरा टोटल मिला के 91 इंच आ जाएगा। तो मैं ये पूरा बेल्ट के लिए कट कर दूंगी, इधर से 5 इंच लेते हैं। स्टिचिंग में अब हम सबसे पहले ये साइड की जो हमारी फैब्रिक है इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड। अब हम इस स्कर्ट के साथ बेल्ट की जॉइनिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक एंड से लगभग 24 इंच का एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क को बेल्ट का राइट और स्कर्ट के रॉन्ग के साथ मैच करेंगे। इस प्रकार से यहां से इसके वेस्ट पार्ट में हम इसको पहले सिल देंगे। और अब
स्कर्ट के स्टार्ट से लेकर लगभग 10 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से, और यहाँ पर हम ये इस प्रकार लूप भी अटैच करेंगे। ये लूप हमारे इस रैपराउंड स्कर्ट को बाइंड करने के काम आते हैं। ऑपोजिट साइड में भी हम 10 इंच का मार्क लगाएंगे और वहां पर भी एक लूप इंसर्ट कर देंगे। दोनों साइड लूप लगाने के बाद अब हम इस बेल्ट को इस प्रकार ओपन करेंगे और ये कपड़े को अंदर ले जा करके इस बेल्ट को यहाँ से फोल्ड करते हुए वेस्ट पार्ट तक सिलेंगे। एंड पर आने के बाद मैं आगे बताती हूँ। वेस्ट के दूसरे एंड पे आने के बाद अब हम ये जो आगे हमारी रिमेनिंग बेल्ट है इसको भी इस प्रकार हाफ इंच अंदर फोल्ड करेंगे और इसको भी स्टिच कर देंगे एंड तक, और एंड पर आने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड से भी हम इस बेल्ट को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और साइड से भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे, और टॉप स्टिच लगाते हुए इन लूप्स को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर इसको इसकी सिलाई में स्टिच कर देंगे। बेल्ट की टॉप स्टिचिंग करते हुए लूप ज्वाइन करने के बाद अब हम इसको रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे और इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड करके इसके बॉटम में स्टिच लगा देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसके एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।